कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना, साथ लेके धन साथ लेके सीता साथ लेके धन साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चलिए भैया चाय पी लो। एक एक भक्त हाँ प्रभु का रूप का संदर्भ का वर्णन करता है। जाए हो जाए हो। कहता है मालिक हाँ हे प्रभु हे दाता श्री राम हाँ भक्त प्रभु के दरबार में हाँ आंख बिछाए हुए प्रभु से कहता है झाकी हो झाकी हो झाकी हाय जय हो। लंच टाइम बा सुन लिया तो झाकी देखी सरकार रख रख का घिंचत रह कि झाकी देखी सरकार जिया हुला से हमार झाकी देखी सरकार जिया हुला से हमार जिया हुला से हमार हो मनमा हो मनमा लगी गई साबली सूरत लगी गई साबली सूरत मुकुट तुहार मन कुंडल की बाहर मुकुट तुहार मन कुंडल की बाहर कीट मुकुट तुहार कान कुंडल की बाहर भक्त एक एक आभूषण का वर्णन करता है। प्रभु के दरबार में भक्त कहता है कि मालिक मालिक कि धोती फीता कोरदार कि धोती फीता कोरदार जा में लागल बाकी धोती फीता कोरदार जा में लागल बाकी लागल
बाकी ना हो झल झल हो झल 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 के लप्पा भूके चारा कहे ओ पिंडर पुकार सुन लाया राजिया कहे ओ पिंडर पुकार सुन लाया राजिया उपेंद्र प्रसाद सिंह हाँ जो सिंघाड़ा निवासी हाँ संगीत का हमारे गुरुदेव है इसलिए कहना है जारी हो कि कहे उपेंद्र पुकार है 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 सुन लाया रजी हमारे ओ हमके ओ हमके रख ली हुआ पानी सारा जय हो। अच्छा तन प्रभु के परचे हो जाए की भैया हाँ। और सरकार परचे फुलवारी में चलिए जय हो जय हो। आओ सुनील जी धनुष लाइए हाँ लाइए हो का बैठने का व्यवस्था कुर्सी लगाइए सामने लगावा तीनों कुर्सी भाई पहले उन्ने घुमावा ना जय हो ए साइड से रखो ना ताकि चैनल में भी बाप रे बाप वो में बाबा के झरका की देबू ना झरका थे हल्का हल्का हो जाते इधर बुझाई छिन जे बाबा जे हथिन से डंटा ले ले भैंसा से हरकाबे के हां आई 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 चली भैया हां तब तक धनुष आ रहा है हां बाबू हो उड़ जावा बुली बाबू ये साइड से रखो एक साइड से आओ जगह ने रखो कि मुझे जीने नहीं देती है कि मुझे अरे जीने नहीं देती है अरे याद तेरी We'll be right back.
तुझको, क्या तुझको तरपाती नहीं हो। तरपाती नहीं जान मेरी लेती है रात तेरी। मुझे जीने नहीं देती है रात तेरी। स्नान जा रहे हैं, सुनैना को बुलाते हैं। हाँ सुनैना, अरे सुनैना, हाँ सुनैना, हाँ करीब में आई आई हाई। डबल माइक नहीं खे तन देखी ना भैया, कोशिश लगा के लगाई लगाई बबुआ। सुनैना हाँ बोलिए स्वामी जी, क्या आपने मुझे याद किए? हाँ सुनैना, सुने ना करीब में आती है। हाँ राजा जनक कहते हैं सुने ना, हाँ मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ। हाँ धनुष के निकट अच्छा से सफाई करके रख देना। हे ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। अरे मुझे तो मालूम बहुत सारे काम है, इसलिए मैंने मालूम है बेटी सीता की बुला करके और बेटी सीते के धनुष के पूजा के लिए बोल देती हूँ। सुनील सीता सुने ना, बेटी सीता को बुलाती है। अरे वो बेटी सीता कहाँ हो बेटी? भूतलायल रहो सीता हो। सुने ना बड़ी प्यार से सीता को समझाती है। हे बेटी सीते, क्या है माँ? सुनो बेटी, आज मुझे महल में बहुत सारे काम है। हाँ। इसलिए मैं महलों की जा रही हूँ और तुम्हें मैं अपने पिता आपके पिता की आज्ञा का पालन दे रही हूँ कि बेटी जाकर के धनुष के पूजा कर लेना बेटी। ठीक है माँ। अबे सीता क्या करती है कि एक हाथ में लोटे में जल लेके हाँ धनुष के निकट पहुंच जाती है। जाय हो जाय हो। धनुष के निकट पहुंच के हाँ सीता
क्या करती है? हाँ, कि बाएं हाथ से धनुष को आसान से उठा लेती है, दाहिने हाथ से एक एक जंगल को उखाड़ के फेंक डालती है, अच्छा से धनुष को सफाई करके हाँ नीप के हाँ फिर धनुष को उसी जगह रख देती है। अरे गाय के गोबारा से अंगना नीपवानी, अरे गाय के गोबारा से अंगना नीपवानी, गजमोती चौका रबनी है मैया, गजमोती चौका गजमोती चौका पो रबली है मैया, गजमोती चौका पो रबली है मैया, चौका पो रबली है मा कलसा सच्चा बली, चौका पो रबली है मा कलसा के ऊपर चमु दिया रातलो बली, रबली है मैया, रउआ के काटा को हाँ रबली है मैया, गजमोती चौका पो रबली है मैया, गजमोती चौका पो रबली है मैया, अब सीता धनुष को सफाई करके हाँ नीप के पूजा करके हाँ वापस घर चलाती है। जाए हो, जाए हो। राजा जनक गंगा स्नान से आते हैं, हाँ जहिन के निगाह है धनुष पर पड़ा, हाँ राजा जनक तो तिलमिला उठे, जाए हो। अरे अरे लगता है किसी ने धनुष को उठाया है। हाँ सुने ना, अरे सुने ना, सुने ना। बोलिए स्वामी जी। क्या सुने ना, धनुष को क्या आपने उठाई है? हे प्रभु, आज मुझे महलों में काम थी इसलिए मैंने महलों की चली गई और बेटी सीते की आज्ञा दी कि बेटी सीते जाकर के धनुष के पूजा कर लेना बेटी। क्या सीता, अरे बुलाओ तो उसको। जब सीता करीब आती है हाँ राजा जनक बड़ी प्यार से पूछते हैं, हाँ बेटी, अरे ओ सीते, क्या धनुष को तुम उठाई हो बेटी? सीता जवाब नहीं देती बल्कि सिर झुका लेती है। हाँ जब ही सीता सिर झुकाती है हाँ राजा जनक कहते हैं कि इस काम को मेरी बेटी ने ही की है। ये? जब मेरी बेटी इस धनुष को उठा सकती है हाँ तो इसके लिए वह पति चुनूंगा कि धनुष को। दूत के आदेश करते हैं, दूत जाओ नगर नगर में खबर जना दो, हाँ ढिढोरा फिर दो, फिर दो कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर रचा जा रहा है। जो वीर पुरुष हाँ स्वयंवर में धनुष को तोड़ेंगे हाँ जनक अपनी लाडली की शादी उसी के साथ करेंगे। जाओ दूत जाता है हाँ नगर नगर में खबर जनाता है, ढिढोरा फिरता और कहता है हाँ कि जनक के सुता का ए भैया हाँ
अरे माइक जल्दी उपाय कीजिए गो। हाँ अरे जन के सुता का अरे सोमवार होगा हे भैया तब मिथिला में घर घर मंगल होगा सोमवार होगा मिथिला में घर घर मंगल होगा कैसे होगा। हाँ देश विदेश के फिर कन्हैया आएंगे हाय 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 अपना अपना भाग गया जमाएंगे हे भैया इसको आगे क्या होगा। हाँ होगा शिव धनुहा का शिव धनुहा का खंडन होगा शिव धनुहा का खंडन होगा मिथिला में घर घर मंगल होगा आमंत्रण कार्ड लेके हाँ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचता है। आमंत्रण कार्ड जब दूत गुरु जी को थमाता है हाँ तो गुरु जी राम से कहते हैं हाँ कि हे राम हे लक्ष्मण हे राजा जनक के यहाँ स्वयंवर रचा जा रहा है। हाँ क्या दोनों भाई स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे। हाँ राम बोले कि गुरुदेव आपके आदेश और मैंने चलूं। हाँ इसी वक्त और अभी चलिए चलिए आगे आगे गुरु जी हैं। हाय 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 जय हो गुरु जी हाय 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 खड़ा हो जा। गुरु जी के पीछे राम है। हाँ सबसे पीछे लखन कहाँ चलते हैं शंबर में नीचे आओ ना और नीचे में फेरा मारो गुरुजी समझ ली आगे आगे। अरे रामचंद्र जी दूध कट्टू के धिया पुता की बुझाई छो लगाई छे तो देतन टाइट से न रहू तो कथी। अब जिस रास्ते से चल रहे हैं हाँ सारे लोग राम को रूप को देख रहे हैं। हाय 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 हाय
लागल जनकपुर में मेला खाली मेले के बात करे ले ने सुनू ना हमरो मेला तनी आए आए ये पहले बताऊ जो बाप रे भाई बड़का बड़का वीर सब वो देखे को बूढ़ा बाबा के उनका दांत नहीं तो यो जाय छे आए ओकरे पीछे देखे को मुड़े ठावरा बाबा हाथ आए बड़का बड़का वीर सब अगर दीदी के दीदी तो वीर तो वीर वीर के बच्चों सही रे बा केरा के वीर हो ए ई सब कहा जाय छिन ई सब जाय छिन मेला देखे हे कावन मेला एगो बात कहू हमरा बड़ा हमरो दिल में श्रद्धा लागल रहे जे तनी हमहु मेला जाइती मगर एगो तो लाज शर्म के बात एगो है जे कहल ना जाइए नहीं गाँव में की बात हे बात है हाय जब मेला देख ला तो छल छल कह ले हती चाची मगर एक को रुपया पैसा न जान ली हमरा मन रहे जे ना होते तो कक्का से हमरा 100 रुपया कर्जा देवा दू हम अगले साल अबे ना एक टाइम में तो दे देबे चाचा से डबल दे होगी सिंगल माने पंचा लेबे चाचू जवाना खराब है बुझ जा चाचा तो दे तुम 200 मेला अरुण पासवान जी के तरफ से 51 रुपया के पुरस्कार है मेला देखे खातिर अर्जुन पासवान जी के तरफ से जाए हो जाए हो अबे की करबा गोली पिस्टी के करे ले ली उनन हम एगो एक चीज खाएं कोठी जेकर नाम है फुचका ना हो फुचका फुचका गोलगप्पा फुचका खा कर तू हुचका क्यों खार देबो अब इधर जो है लक्ष्मण जी कहते हैं मन में सोचते हैं कि लागल जनकपुर में मेला है भैया तो लागल जनकपुर में मेला देख के हमारा मन जनकपुर में मेला देख के हमारा मन करला हमारे फिर ठेकेदार साहब
रामनाथ बाबू की तरफ से जाय हो तमाम कलाकारों का। हाँ, 51 रुपए आया है। हाँ, शुभकामना करते हैं रामनाथ बाबू के लिए। हाँ, प्रभु श्री राम के दरबार में। हाँ, कि प्रभु के कृपा से। हाँ, दिन दुगना रात चौगुना हो, यही शुभकामना हो। जाए हो, जाए हो, जाए रामनाथ बाबू के लिए। हाँ, प्रभु श्री राम के दरबार में जाए हो, क्योंकि इस दरवाजे पर एक बार और हम कार्यक्रम करके गए हैं। वाणी वाणी, अरे गुरु जी के संग हमारे दो दो लगना है, एक सवाला ये तो कोरो परम है। देखे के हमारा मन करना, चलते चलते जनकपुर राज में प्रवेश कर गए। हाँ, गुरुजी कहते हैं राम से कि हे राम, हे लक्ष्मण, हे रात्रि विश्राम हम सब हैं कि हाँ, कल सुबह होते हुए हुए यही हाँ कल में राजा जनक का फुलवारी है। हाँ, आप दोनों भाई जाएंगे। हाँ, और फूल तोड़ के ले आएंगे ताकि हाँ पूजा करने में 2-4 घंटा समय हमको लगता है। जाए हो, जाए हो, गुरु जी सब हाँ स्थान धरु, धालु बैठ जाओ, गोर दुखा गेल होए। अब जो है हाँ जब सवेरा हुआ हाँ तो आज हाँ गुरुजी राम को जगाते हैं। हाँ, जब राम ये जगे उनकी आंखें खुली। हाँ, तो लक्ष्मण के कहते अरे भाई लक्ष्मण, आए हाय हाय हाय, जल्दी चलो चलो ताकि गुरुजी का फूल लाना है। हाँ, गुरुजी का पूजा करने में समय लगता है। जाए हो, जाए हो, आए आगे आगे रामचंद्र जी। हाँ, आ सबसे पीछे लक्ष्मण जी। हाँ, वो फुलवारी में जा रहे हैं। जाई हो, हाय हाय हाय, फुलवारी में जाते हैं। हाँ, अहे आए ऐसा ना जे केरबानी में चल जाई हो। ओ इन्ने ना आऊ, देखो ने केरबानी में जंगल बा, बाप रे बाप, आए तो दिल में इनका लड्डू फूटे। हाय हाय हाय, जे जय जय तो होबे करता। हाय हाय, एकदम खूब मुस्कुराए छे। अब जो है हाँ जो ही फुलवारी में प्रवेश करते हैं। हाँ, कि मालिन जे है हाँ वो फुलवारी के देखभाल करे वाली। हाँ, बाप रे, हाय हाय हाय, अब जे है हाँ वो मलिनिया के न देखो। आय हाय हाय, रहुओ देख लो। पीप पीप, वह जगह रहिएगा। हाँ, अई सखी है सखी है, दीदी के दीदी है, चाची हे साखी साखी, सब दिन हम फुलवारी में अबैत रही त कहियो बेली हाँ कभी चमेली हाँ कभी गेंदा हाँ कभी गुलाब हाँ अनेको प्रकार के सुगंध अबैत रही। आए आए आए, जोगे नानी जोगे नानी, आगे मौसी आई, हम जैसी फुलवारी में आईली हा हाँ आई हमरा महकैया दे दे कथी कथी। अए
हमरा महकयन कथी आई लगयन जे कोई मर्दावा के प्रवेश है का दो आए 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 हां तनी चल करके हां फुलवारी में देखल जाई हां कि हमरा फुलवारी में केहू के प्रवेश है का चली चली ए सखी हां ए हमरा फुलवारी में दूगो कौन कौन हे दूगो हां हे दूगो हां कथी कथी एगो लीलगाय एगो घोरपरास एगो करिया एगो गोर नहीं है हां हमरा फुलवारी में दूगो हां चुज्जा चुज्जा हां सुंदर सुंदर हां आयल छथिन कौन हे राजकुमार छथिन ओ इनकर के पहले चल करके हां आ लेल जाई कथी कथी इनकर पहले लेल जाई कथी इनका नाम का हां इनका पिताजी का नाम का हां आई फुलवारी में काहे खातिर आइलन अब माई के छोड़ देला हां माई के नाम पर भोर पड़ गेला अरे उ तो समय पर ओ सरकार पिपी एने आइए एका एकी ऊपर आइए इनका मुस्की ना दे चरनिया मुस्की हो इनका मुस्की तो लगयन जे हमर करेला के ए सरकार गिलास ले लो गिलास राम जी ए सरकार क्या है वक, हम बोले कि ए सरकार तब बोलू चाय है बताइए हम बोले कि ए सरकार क्या बात है सुन लीजिए इनको लगता है कि हम ढाबा वाली हैं हमको कहते कि दाल भात है हम बोले कि ए सरकार आपका नाम क्या है श्री राम ए सखी गमौसी फुलवारी में दुगो छौरा आयल हथिन आए हाय अभी तो छौरे न हथिन हां ए उनका नाम पूछ लिया ही हा हां तो कथि के लखिन हा कथि बोलू हमर नाम है सिनुरिया आम ए तने रहुआ पूछियो त तने आओ अपने के की नाम है सरकार श्री राम श्री राम श्री राम हम कैसे नूरिया हम कैसे आई बताऊ कि अपने के बाबू सब पे की नाम है राजा दशरथ राजा दशरथ आई बताऊ कि माए के कौशल्या रानी कौशल्या ई बताओ कि बाबू कै गो छत एगो आ माए इनगो तीन गो सखी माए ई बतायो हां अब तो समय आ ही रहल है हां एगो ट्रैक्टर पर हाँ तीन तीन गो थ्रेसर आई बताइयो जे दौनी कैसे होत होतै हाँ सरकार ई बताओ जे आई फुलवारी में काहे एली है फूल तोरे ई रउर बाबूजी के फुलवारी है ई बताओ सुनिए आप हाँ। पिप पिप एने आइए ए सखी ई बड़का त बड़का आ छोटका के न देखू त भितरे भितरे छुर छुरी छोड़े छी रे दादा अच्छा ई बताइए या सुनिए ना ऐसे न ताकिएगा भली जाने के समय में मोबाइल नंबर दे दीजिएगा रात में कॉल करेगा आपका नाम क्या है लक्ष्मण लक्ष्मण आपका पिताजी का राजा दशरथ माता का सुमित्रा चलिए ठीक है ए सखी तनी रहुआ पूछी चलिए लखन लाल जी है आओ इना देख लिए अपने मर्दाबा हाथी की औरत कथी हाथी मर्दाबा आओ मर्दाबा हाथी तो बोर्ड बोर्ड पर देख लिए रही के ए में फुलवारी में केकरा जाए के लेल है औरत के तो फिर अपने मर्दाबा होकर कैसे घुस गेली देखकर मतलब जे अपने आधा औरत आधा मर्द हती की मालिन ओ सरकार इने ऊपर ई बताइए कि आप धरफराल फरफराल देखे हैं जे आए हैं गेट खोले हैं घुस गए हैं ये आपका बाबूजी का फुलवारी है सुनिए सबसे पहले गेट पर पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है लेडीज बाग क्या है लेडीज बाग
ए सरकार आप पहने आइए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पुरुषों का जाना मना है। क्या? पुरुषों का जाना मना है। अच्छा ये बताइए कि आप जनाना है कि मर्दाना है? आप क्या है? मर्द। ये सखी हाँ। हे इनका पर तो हमारा विश्वास है हाँ। कि मर्दावा छथिन छथिन, मगर इनका पे हाँ। हमारा विश्वास न हो हाँ। इनका विश्वास ऐसे दूर करम, खोल कर देख लो, पहले खोल कर छोड़ दी। सुनिए यहाँ पे लिखा हो कि लेडीज बाग, यहाँ ले पुरुषों का ना माना है। एक काम कीजिए हाँ। जो फुलवारी में हमारे जनक नंदिनी सीता जी आएंगी तो यहाँ पे आप लोग को दोनों भाई को फुलवारी में छुप जाना पड़ेगा। ठीक है, आप भी छुप जाइएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो जाइए नीचे। इधर भगवान श्री राम को जब सावली सूरत को मालिन देखती है हाँ, तो ऊपर से शर्माती है, अंदर ही अंदर मुस्कुराती है। हे? आज मालिन के दिल में एक भाव प्रकट होता है भाई। क्या भाव है? कहो। अंदर ही अंदर सोच रही है हाँ। कि पापा रे कुल में तो गया, से पापा रे कुल में तो गया, अलग बत्ती हो रहा। Yeah.
अबे घर हाँ मालिन राम से बोली हाँ कि अगर फूल चाहिए तो मुझको कहिए मैं तोड़ के लाती हूँ। हाँ लेकिन आप फूल तो क्या फूल के पेड़ पर भी हाथ नहीं लगा सकते। हाँ है मालिन बोली कि गुलाब के फूल में हाँ बड़का बड़का के काटा हो हाँ गौड़ जाए कुबल हाथ में अगर कहूँ गौड़ गे हाँ गौड़ जाता है कि भोंका भोंका जाता एक अति कवे सखी गौड़ते उनका रा दर्द होते ही हमारा ये अब लियो तो मालिन पूरा देख के दीवाना है। हाय 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 मालिन बोली अरे कहाँ तोरा घर अबा हो कहाँ मधुवरिया ये तोरा बाबूजी के नाम धनुधरिया ये तोरा बाबूजी के नाम धनुधरिया कहाँ तोरा घर अबा हो कहाँ मधुवरिया ये तोरा बाबूजी के नाम धनुधरिया फूल लादू बबुआ कहत फूल लादू बबुआ कहत फूल लादू बबुआ कहत फूल लादू बबुआ उसी फुलबारी में सीता अपने सखियों के साथ गिरजा पूजने के लिए जाती है। जाई हो, जाई हो। थाली कहाँ है? है? अगर बत्ती तनिया उड़े चाहिए ही। अब इधर जो है, हाँ, सीता की सहेली, हाँ। चंचला नाम की सहेली सीता के कान में जाके कहती है कि अरे सखी मत पूछ सखी अरे सखी अपना जो फुलवारी में दो राजकुमार आए हैं हाय 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 अरे एक से एक सुंदर रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता सखी अरे चल थोड़ा देख चल के तो देख सखी सीता सखियों के साथ उसी फुलवारी में पहुंचती है जहां भगवान श्री राम फूल लाने के लिए उपस्थित है। गे दीदी गे फुलवारी में तो दूगो कथी गे दूगो सुंदर सुंदर आयल छथिन कथी ए उनका रूप के वर्णन ना है ना जो उनका रूप केहूं के रूप में लगते ना है सुन अगर विश्वास ना हो तो तू खुद के चल करके अब फुलवारी में देख ले ए एगो फुलवारी में चांद लेखा हा आ एगो सूरज लेखा हा हाँ ए सखी यही जगह को भाव बा का हाय हाय कि चांद सूरज के जोड़ा बा कि उम्र में वो कोड़ा बा कि चांद सूरज के जोड़ा बा उम्र में वो कोड़ा बा कि चलू चलू गे दीदी कि चलू चलू रे सहेलिया एगो साबरे गोरा चलो चलो रे सहेलिया एगो साबरे गोरा
चल चल रे सहेलिया एक सांबरे को सखी रउआ अगर विश्वास ना है तो जोड़े जोड़े रउआ चली चली भैया। इस पहले मिलन में फुलवारी के घड़ी हमारे इंदल बाबू की तरफ से 1 से 1 रुपया आया है। शुभकामना करते हैं प्रभु श्री राम के दरबार में इंदल बाबू के लिए कि प्रभु की कृपा से हर बिगड़ी कार्य आपका पूर्ण हो। इंदल जी के लिए है। जब सीता हाँ कि जो ही निगाहे राम पर जब पड़ता है हाँ सीता तो देखती ही रह जाती है। आ जब राम की निगाहें जब सीता से टकराई कहाँ ध्यान है प्रभु जी और टावर मिल भाई छी। हाँ बाबू भूल जाओ थोड़ा ले जा थो आज हाँ सीता कि जो ही ध्यान राम पर जबे हाँ तो सीता देखती ही रह गई रह गई। सीता के एक मन में भाव प्रकट होता है भाई कि प्यारे हमारा अमरे रहेगा याद करे का जहां ममताज है मेरे ख्वाबों के मैं तेरा सारे जहां हो उतरे हैं तो आसमान से तुम सा जमीन पे कहां हो राम का 4 प्रकार से शादी हुआ था। बक्सा में बिंजू के बाद भैया ऑपरेटर साहेब पहले धनुष जग दूसरा जयमाला तीसरा सिंदूरदान हाँ आ चौथा है लठिया उड़ा जहां पकड़ लू तो शादी कर दो
अभी समाज में हमारा लठिये उड़ान चल रहा है। हाँ। देखलक कहीं से कहीं लड़का आयल हो। हाँ। आ लड़का के देखलक जे लड़की के देख कर टिप टाप कर बियाह कर दे। सुनो हम तो लव मैरिज कैली है से। हाँ? आ? लव मैरिज वाह। आ कोर्ट मैरिज न कर लो। अरे राम सिया के मधुर मिलन से तो फुलबारी मुस्काए कोई मिया कजनी गाए कोई मिया कजनी गाए गए थे फूल लड़न को सिया जी गिर जा फूटन के देख रहे हैं राम सिया को सिया राम को देख रहे राम गए थे फूल लड़न को सिया जी गिर जा पूछ रहे रहे हैं राम सिया को सिया राम को देख रहे लखन लाल जी सोचते हैं कि भैया कौन ख्वाब में डूबे हुए हैं। अरे मधुर मिलन के उस बेला में लखन लाल हलताए कोयलिया जय हो जय हो। अब इधर हाँ सीता की सहेली सीता को ध्यान को तोड़ती है। आऊंगी तोरा आऊंगी तोरा ओ सरकार पिपी उन्हें घूमिए ना ए बड़ी बक ले हता हो तू डायरेक्ट तक इतना रहा और हॉरन कब अदर एकरा त बुझा छे जनु आंख में फेविकिक चीज पड़ गए दीदीओ क्या बण मिला बा ओ सरकार ओने ओने घूमिए ना ए सखी हमरा लगै छे एकर चाल चलन से जाय हमरा फुलबाड़ी में से रिटायर होय के होते जाय कहला काहेला कोई ऐसन बात अगर कर लेता है तब बदनामी हमरा हो गे चले ना के चल गे पूजा कर चल गे दौड़ हुआ सब उन्हें जाऊ ना कहले हमरे लेके जाम की जा तू चल जाओ जा ही घरे जाओ जाओ ना घरे बैठो अभी अरे जे हो ध्यान सीता को हाँ आंखें खुली ध्यान टूटा हाँ लजाती हुई शर्माती हुई हाँ गिरजा माँ के मंदिर में पहुंच जाती इधर राम को जब ध्यान टूटा हाँ राम बोले कि अरे भैया हाँ मैं कहाँ फंस गया था हाँ चलो भाई लखन गुरु जी इंतजार करते हो जाए हो जाए हो गिरजा माँ के मंदिर में जाके हाँ सीता को हराती मैया से कहती है कि पन फूलने बता पठवली हो मैया हे मई हे तपन फूलने बता
पाठ मैया मन फूलाने वाला पाठ बली हो मैया कि माई हो माई हो या बघारे हमारा तो के वो ये मैया कि माई हो या बघारे हमारा तो के वो लवली है मैया चाउर के चौका पूरी अतनी लगा बाली हो गाई के गोबहरा से अगनानी पपली हो चाउर के चौका पूरी अतनी लगा बाली हो रउआ के कात गोहर बली हे मैया रउआ के कात गोहर बली हे मैया कि माई हो कि माई हो अब घरे हमारा तो के वो हे मैया अब इधर राम लक्ष्मण गुरु के साथ स्वयंवर में प्रवेश करते वहां बनावट सजावट को देख के राम बड़ी प्रसन्न हुए राम बोले कि गुरुदेव राजा जनक कितना सुंदर सा व्यवस्था करवा के रखे हैं कि एक तरफ प्रजाओं के बैठने की व्यवस्था दूसरा तरफ देवताओं ऋषि महर्षि के बैठने के लिए के व्यवस्था कितना सा सुंदर यहाँ का व्यवस्था है जाय हो जाय हो। इसी बीच राजा का दूत आता है भरी सभा के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है कहता है बीनो कान खोल के सुन लीजिए सुन लो कि आज की वीर सभा इस धनुहे पर निर्भर होगी जो वीर धनुष को तोड़ेगा कौन अपने आप को माइको लाल कहता है आगे और धनुष को तो है कौन हम माइको लाल आज की एक वीर सभा इस धनुहे पर निर्भर होगी है कौन हम माइको लाल जिसके सर पर यह दूत कहता है कि आज की वीर सभा इस धनुहे पर निर्भर होगी है कौन हमई कलाल है कौन हमई कलाल इसके सर पर आस्था होगी
कौन आपको अपने आप को माई को औलाद कहता है? हाँ आगे आए आए और धनुष के तोड़ के दिखा दिखाओ। वीर एक और कठोर शब्द कहता है हाँ कि जीतेगा वही बाजी को जो शिव का धनुष चढ़ाएगा भय काल का नहीं खाए भय काल का नहीं खाए वही सीता को पाएगा। भय काल का नहीं खाए वही सीता को पाएगा पाएगा। धनुष और कहता है भी वीरगण कर वीर के दूत माँ की दूत को कसम देता है कहता है कि हिंदू धर्म की शान दिखा अरे माता की छिड़की लाज रहे है कौन हमई कलाल है कौन हमई कलाल जिसके सर पर हताज रहे जिसका पहला मौका मिला है हाँ। वो तो अपने आप को भाग को सिकंदर समझता है हाँ। सोचता है कि है? मैं तो नहीं जाऊंगा हाँ। और धनुष के तोड़ के सीता से विवाह करके हाँ। अपने धाम को वापस चला जाऊंगा। हे राजा जनक मूर्ख है हाँ। एक धनुष को रख दिया हाँ। और तमाम वीर को बुला लिया है हाँ। जिसका पहला मौका मिला है हाँ। अपने जगह से अकराते हुए हाँ। अंगराई मारते हुए आगे की ओर बढ़ते हाँ। बजे बजे जय हो जय हो। रामचंद्र की बाप रे बाप हरे उठ लाली हरे कजरा 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 चाह मारे तोहरो को I'm gonna make you mine.
पूछा पीठ से बाप रे बाप बाप रे कहां से बनवा कल सुनो हो कौन सा लोन रहा है फिर हमारे ठेकेदार साहब रामनाथ बाबू की तरफ से हाँ इस धनुष जग में 101 रुपया आया है हाँ शुभकामना करते हैं ठेकेदार साहब के लिए जय हो जय प्रभु के दरबार में हाँ क्या और मान प्रतिष्ठा ऊंचाई शिखर तक पहुंचे रामनाथ बाबू के हाँ और एक से काल कोई भी कार्य में कलाकार आके इस दरवाजे पर कार्यक्रम करे ठेकेदार साहब सखियों के दल तीन जाए हो इस सखी के भी लिए रामनाथ बाबू की तरफ से ढेर सका जी हाँ हम बुझ रही हमें बात के कहा लिया यहाँ सौ धनुष तोरे धनुष तोर का कथी करबो हूँ कहाँ है आप लोग धनुष तोड़ने खाना उना खा के आए हैं ना तो आवाज कलर डाउन है खाना खा के तो कस के बोलिए मेरे ऐसा बोलिए तस्वाई खोलती ना से गाना बजल है अच्छा ये बताइए कि आप धनुष इसका क्या जरूरत है बाना है धनुष तोड़ने में इसका क्या जरूरत है बाना है बाना अच्छा एगो बात आप उसको नीचे रख दीजिए उन्हें दे दीजिए आप ऊपर आ जाइए चचा रउआ लोग से कहे के है काठी जे इनका रूप न देखियो पहले कहां से बनवा का सुन हो हमरा से सुंदर कोई न बात है भगवान करे बाबा भूया करे जे तोरा लेखा के कोई धिया पुता न हो रात अगर दिनों में गांव में तू घूमबा ना तो 10 गो कुत्ता आगे पीछे तोरा रह नोचेला अच्छा एगो बात है मगर रूप से तो भरल हथे इनका रूप देख के रात तो रॉक से बच गई सही है जिनका मुंह अभी बिल्कुल कैसा लगा है कैसा जे हरपुर चौक पर इनका मुंह पर बोलोरो चढ़ गई है जल्दी अये एगो बात बताइए आप धनुष तोड़ने आए हैं हाँ इनका रूप तो रूपे आपका पहले परिचय बताइए आप वो नहरिया में चलते हैं ना हाँ। तो रास्ता देखने के लिए लुबारे हुए हैं मारकरी हाँ। बताइए कि आप धनुष तोड़ दीजिएगा धनुष तोड़ दीजिए हाँ। अगर धनुष नहीं तोड़िएगा तो तोड़ देंगे तो सुन लीजिए ये धनुष पर 7 रखा हुआ है अगर आपने धनुष तोड़ दिए तो आपकी सीता से स्वयंवर होगी अलग रहा अलग रहा हुई अभी दूरी बनाइए सुना ना ज्यादा इन्हों ने तकिया ना जल कहला अन्ना तक खाए वाला फुला दे फुला है ये है उसको माने कहावत है कटहर पेड़ में लस्सा मुंह में धनुष टूटबे न कलई अब बोलो सीता केने सुना अगर धनुष तोड़े के हाँ तो पहले तू अपन परिचय बतावा बता तोहर नाम की हो लवनासुर क्या लवना सूर अच्छा ये बताइए कि आपका पिताजी का क्या नाम है बोतल सूर अतर बाबा के ए ब्याज जी
बाप के नाम लवनासुर, बेटा के नाम बोतल सुर, ये बताइए ये बोलोरो वाला कला तरतराल है रे बाप। भोज खाए जता है, भोज खाए ए, आपका दादा का क्या नाम है? कटिया सूर आए ठीक है जानू अनहरा के खानदान के सब में सूर लागल है एक मतलब ही लगे से जिनका खानदान में सब अनहरे है। सुर मतलब वीर होता है, वीर कथी होता है वीर। ए तोरा गांव में सुर मतलब वीर होता है, हमारा गांव में मिथिला में मालूम है सुर मतलब आनहर, सुर मतलब आनहर, तोरा गांव में वीर होता जल जिला दूसरा है। अच्छा अकेले आए हैं आप? दो आदमी से आप और कौन है? बानासुर बाने आई सुनिए ना बानर पहले उसको ने रख दीजिए ऊपर आइए पिपीप अब आए तोरे से भी आकत की हो अदर इनकर मुंह पहले देखिए हमसे सुंदर कोई नहीं है। हां ये बात तो जरूर है, ये तोरा लेखा कोई ना है। आए एक और बात है, हां इनकर मुंह चाची कैसा लगै छै? जैसे सावन के बाद एगो भादो आवै छै, आ भादो में हमसे एगो पवनी करैले। कौन पवनी? कावन। ओ पवनी के नाम है चरचन्ना। हां आ चरचन्ना के कह लीजिए सबसे पहले चौरेठा से चारों तरफ से लेप चढ़ा देली, आ पांच जगह छछिया के टिक देली। ए बिल्कुल इनका मुंह लगै छै जे चरचन्ना के छछिया ले। अच्छा एक बात बताइए, धनुष तोड़िए ज्यादा समय हो रहा है, धनुष तोड़ दिए तो आपको हाथ में सीता का सोमवार चला जाएगा। ठीक है जोर लगाइए पिपीप आइए। मिर्गी जूता जूता सुहावा जूता सुहावा खड़ा होइए जूता सुहावा चप्पल ठीक हो गए चप्पल सुहावा। क्या हुआ? झटका मार दो। हम कहाँ आए हैं? आप कहाँ आए हैं? आप फिर न जानिए आप कहाँ आए हैं। धनुष तोड़ रहे थे। आप धनुष तोड़ रहे थे? धनुष तोड़ रहे थे। अगर एक लोटा पानी ना रहता हमरा लगता है जे बिने कोन हरो जाएंगे। चलो एक बार और जोर लगाइए, आप भी लगाइए। सुना तू सा धनुष तोड़े ला कि मारपीट करे ला? धनुष तोड़ ले ला। अब चल जा ए रास्ता से चल जा डायरेक्ट। एक पड़िए ढला एक पड़िया पिपीप। बाय 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 चले।
अपना अपना बाबूजी के भेज देव। हाँ। जो बीर हलचा आता है वो लटकाए जाता है, मानो बीरों के बल पाकर धनुआ गरुआया जाता है। तस्सी बिके धनुआ बारा भारी हो, अरे शिव के धनुआ बारा भारी हो, धनुआ ही ने ना तोने। शिव के धनुआ बारा भारी हो, धनुआ ही ने ना तोने। डोले डोले धनुआई देना डोले डोले धनुआ इले न डोले इले न डोले धनुआई देना डोले। फिर कन हो धनुआ कन बाला हो धनुआ ले न राजा जनक उस धनुष को दुर्दशा को देखते हैं। हाँ। तो पश्चाताप के आग में झुलसने लगे। हाँ। बोले कि मैं अपने आप को क्या कर दिया। हाँ। क्या बेटी को गला दबा दिया। हाँ। कि मेरी बेटी शिया जी के भाग में क्या विधाता, मेरी बेटी को शादी आपने लिखने वक्त भोर पड़ गए थे। कि मेरी बेटी सिया जी के भाग में भगवान शादी लिखाई नहीं है। सियासी के भाग में भगवान शादी लिखा ही नहीं है। मेरी बेटी सियासी के भाग में भगवान शादी लिखा ही नहीं है। मेरी बेटी कुमारी रहेगी, मेरी बेटी कुमारी रहेगी, इस दुख को जलन पर सहेगे। कुमारी रहेगी इस दुख को जलन पर सहेगी। राजा गण को हाँ दोस्त कहते। हाँ। अब जो है हाँ राजा गण को जनक जी कहते कि ही राजा गण क्यों जला हुआ देह को जलाते हैं। हाँ। आप लोग अपने अपने धाम को वापस चले जाइए। जाइए। राजा गण आपस में विचार करते हैं। हाँ। कि भैया धनुष न टूटता ही बुकनी बुकनी कर दे भाई। सब आदमी एक गुल चल के एक मर्तबे धनुष पर ताव लगाइए। हाँ। जब धनुष टूट जाएगा। हाँ। तो आपस में हम लोग विचार करेंगे कि शादी सीता के किसके साथ किया जाए। हाँ।
अब 10,000 वीर भूप एक बार जाते हैं। हाँ, रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी लिखे, हाँ, कि भूप सहस्र दस एक ही पारा लगा उठा बन डरे न था। I'm not a liar।